हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्यवासिनी एकेडमी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर हम कोई एक लीफ लेते हैं और लीफ का एक डायसेक्शन करते हैं, छोटे से पोर्शन का अगर हम डायसेक्शन करते हैं और उसकी एनाटॉमी को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये हमारा अपर एपिडर्मिस है, ये हमारा पैलिसेड मेसोफिल है, ये हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है, और ये क्या है, हमारा स्ट्रोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसी क्लोरोप्लास्ट की हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है वो 1862 में हुई थी। प्लानो कॉन्वेक्स, इसका जो शेप होता है प्लानो कॉन्वेक्स शेप का होता है, डिस्कॉइड शेप भी इसको बोल सकते हैं, डबल वॉल्ड होता है। डबल वॉल्ड का क्या मतलब है, इसमें आउटर और इनर दोनों दोनों हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन भी। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें थैलाकोइड मिलते हैं। थैलाकोइड क्या है, थैला मतलब क्या होता है, आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम थैलाकोइड को एक कॉइन समझे और इसको वन बाय वन रखते जाए तो ये क्या बना लेगा, एक स्टैक बना लेगा। क्या बना लेगा, स्टैक। तो इसी स्टैक को, थैलाकोइड के स्टैक को हम क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ थैलाकोइड हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। सिंगुलर को ग्रैनम बोलते हैं और प्लूरल को क्या बोलते हैं, ग्रैना। प्लूरल का मतलब है कि ये एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, ये तीसरा स्टैक है। अगर हम तीनों की बात करते हैं तब हम बोलते हैं ग्रैना, अगर हम सिंगुलर सिर्फ एक स्टैक की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। तो ये जो ग्रैनम है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, किसके थ्रू, किसके थ्रू इंटरलिंक होते हैं, हमारे स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। किसके थ्रू लिंक होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। और हमारा इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो एक छोटा सा सिंपल सा अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारा डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड है, डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड है। इसके अंदर हमारा क्या है, थैलाकोइड है, थैलाकोइड भी हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड है। तो अगर हम इसकी स्टॉक बनाते हैं, एक स्टॉक ये बना ली हमने, एक स्टॉक हमने ये बना ली, ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, क्या है, इंटरलिंक्ड है। इसी इंटरलिंक को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। और इसमें जो हमें फ्लूड मिलता है, जो हमें इसमें फ्लूड मिलता है, उस फ्लूड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जो लाइट अब्सॉर्प्शन की जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, हमारी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में भी होती है। आगे हम ये देखते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन में भी कहाँ पे होती है, ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो अगर हम थैलाकोइड का स्ट्रक्चर देखें तो थैलाकोइड क्या है, हमारा डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड है, एक आउटर मेम्ब्रेन है हमारी और क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो हमें इनर मेम्ब्रेन में क्या मिलते हैं, क्वांटाजोम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्वांटाजोम। क्वांटाजोम क्या होते हैं, क्वांटाजोम होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप होता है दैट इज एबल टू कैप्चर वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक ग्रुप होता है, क्वांटाजोम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक ग्रुप होता है जो क्या अब्सॉर्ब कर सकता है, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो हम देख सकते हैं जो क्वांटम है, क्वांटम हमारा किस चीज को लेके बना होता है, तो अगर हम ये देखें क्वांटम में 50 कैरोटीनॉइड्स और 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कौन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, 160 क्लोरोफिल ए होता है और 70 क्लोरोफिल बी होता है। ये सब मिला के क्या बनाते हैं, हमारे क्वांटाजोम बनाते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगी कि ये हमारा क्लोरोफिल ए है। ऐसा नहीं कि और हमारे क्लोरोफिल ए बी सी, ए और ए जो है हमारा वो प्राइमरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे सी डी और जो हमारे क्लोरोफिल है वो नहीं प्रेजेंट, वो भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल ए क्या है, हमारा रिएक्शन सेंटर। और जो इसके पास और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके पास जो और
क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल सकते हैं हम उसको, एंटीना पिगमेंट, एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बीबी हो सकता है, आपका सीबी हो सकता है, आपका डीबी हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। और इसके जो आसपास, इसके आसपास ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके आसपास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम बोलेंगे एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना का मतलब है कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं कैप्चर करने में, आपकी हेल्प कर रहे हैं कैप्चर करने में आपके फोटॉन्स, जो लाइट से आपकी, जो आपका जो सनलाइट से जो आपकी लाइट आ रही है उससे जो आपकी जो लाइट अब्सॉर्ब करती है, ये आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। तो रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, मेनली रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल है वो क्या है, क्लोरोफिल ए। इसके बाद रिएक्शन सेंटर में हम बात करेंगे पीएस सेकंड और पीएस वन को, इसको जेड स्कीम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमें आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो पीएस सेकंड और पीएस वन के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा में क्या चीजें होती हैं। स्ट्रोमा में हमारा क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है। अगर हम, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करेंगे तब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो सर्कुलर डीएनए की जो बात है, ये जो सर्कुलर डीएनए है ये एक बोल सकते हैं, जो सर्कुलर डीएनए है ये हमारा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। तो एक ये बहुत ही देने वाली बात है कि स्ट्रोमा में हमारा जो डीएनए मिलता है वो कौन सा डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है, आरएनए मिलते हैं, कुछ मिनरल्स मिलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। अभी हमने देखा कि हमारी जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन जो हमारी है वो कहाँ पे हो रही है, हमारी क्वांटल जोन में हो रही है, और हमारा जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में हो रही है। लेकिन जो ये लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है ये अपने वर्ड, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो रात में डार्क रिएक्शन है तो वो रात में हो रही है, ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो क्वांटा जोन के, जो हमारी लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट यूज होते हैं हमारे स्ट्रोमा में, फर्दर प्रोसेस में, फर्दर प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कार्बन मेटाबॉलिज्म, कार्बन मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम सिंपल डेफिनेशन में जानना चाहेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डीएनए कंटेनिंग है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इसमें सर्कुलर डीएनए है, सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस है क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सर्कुलर डीएनए है, ये डबल वॉल्ड है, डबल वॉल्ड है, ये सेल विद इन सेल है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, अपनी प्रोटीन को खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसके पास मशीनरी है, अपनी प्रोटीन को खुद बना सकता है। इसमें हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी देखने को मिलता है। इन सब चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू था ताकि आप जान सके कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे। हमारा इस लेक्चर में हमने ये जाना कि क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा क्वांटाजोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।